ओम शांति। बाबा कहते संगम युग पर तुम बच्चे जो सिद्धियां प्राप्त करते हो, अपने संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करते हो, जिसकी महिमा और गायन भक्ति मार्ग में सिद्धि विनायक गणेश के रूप में होती है, जिसके लिए तुम बच्चों को संगम युग पर स्वयं भगवान आकर श्रेष्ठ मत देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनाए संपूर्ण संपन्न सिद्धि स्वरूप बना देते हैं। उसी का गायन पूजन भक्ति मार्ग में तुम्हारे सिद्धि विनायक गणेश स्वरूप का गायन होता है। तो सिद्धि स्वरूप बनने के लिए बाप दादा हम बच्चों को अनेक अव्यक्त वाणियों में अनेक युक्तियां बताते हैं। उन विशेष युक्तियों का मनन करेंगे। बाबा कहते अभी आप बच्चे जो भी पुरुषार्थ करते हो, उस पुरुषार्थ का लक्ष्य ही है सिद्धि को प्राप्त करना। दुनिया वालों के पास रिद्धि सिद्धि है और यहां आप बच्चों के पास विधि से सिद्धि है। तो अपने को सिद्धि स्वरूप बनाओ। जो भी संकल्प व कर्म करते हो, वह अगर यथार्थ विधि पूर्वक है तो सिद्धि जरूर मिलेगी। अर्थात बाबा कहते संकल्प करते हुए भी सोचो कि यह संकल्प भगवान की श्रीमत के अनुसार है। बोल बोलते भी यह सोचो कि मैं जो बोल रहा हूं वह बाबा की श्रीमत अनुसार है। किसी को मेरे बोल से दुख तो नहीं पहुंचेगा। कर्म करते कर्म करने के पहले सोचो कि यह कर्म विश्व कल्याण अर्थ हर आत्मा के कल्याण अर्थ है। इस कर्म से किसी को दुख या नुकसान तो नहीं होता। तो जब आप बच्चे कोई भी कर्म करते हो, उसके आदि मध्य अंत को सोचकर करते हो और बाबा को साथी सहयोगी बनाकर करते हो, तो हर कार्य में सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी, अर्थात सफलता जरूर मिलेगी। किसी भी कार्य में सिद्धि प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा तीनों रीति से सेवा करो। जब वाणी द्वारा सेवा करो तो पावरफुल मनसा से उसकी मनसा को कंट्रोल करो, फिर वाणी से नॉलेज दो, लाइट माइट का वरदान दो और कर्मणा अर्थात संपर्क द्वारा अपने स्थूल एक्टिविटी द्वारा गॉडली फैमिली का अनुभव कराओ। तो विधि पूर्वक सर्विस करने से सिद्धि अवश्य मिलेगी। अर्थात बाबा कहते बाबा के यज्ञ में सिद्धि प्राप्त करना है तो सेवा के समय यह स्मृति हो कि तीनों प्रकार से सेवा करना है, मनसा वाचा और कर्मणा। जब तीनों रीति से सेवा करेंगे तो सफलता मिली पड़ी है। बाबा कहते जिन बच्चों को स्पिरिचुअलिटी अर्थात रूहानियत है, उनमें कर्तव्य की सिद्धि आ जाती है। सिद्धि अर्थात प्राप्ति सिर्फ पॉइंट सुनना सुनाना, इसको फिलॉसफी कहा जाता है। फिलॉसफी का प्रभाव अल्पकाल का पड़ता है, परंतु रूहानियत का प्रभाव सदा के लिए पड़ता है। तो हर कर्म में सिद्धि स्वरूप बनने के लिए रूहानियत को धारण करो, क्योंकि जब आप बच्चे
खुद को आत्मा अनुभव करते हो तो पिता निराकार परमात्मा स्वतः और सहज याद होता है, उसकी श्रीमत भी याद होती है। तो जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में सर्व का कल्याण और सफलता छुपी होती है। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए पहले पूरा निश्चय बुद्धि बनो। निश्चय हो कि हमारा साथी, हमारा मददगार स्वयं सर्वशक्तिमान कालों का काल महाकाल पिता परमात्मा शिव है, तो निश्चय बुद्धि विजयंती। जितना जितना निश्चय होगा उतना विजय निश्चित होगी। ऐसा सदा स्मृति में रखते हुए हर कदम उठाओ तो देखो विजय आपके गले का हार बन जाएगी। फिर कोई संकल्प, बोल व कर्म सिद्ध ना हो, यह हो ही नहीं सकता। विधि पूर्वक का प्रत्यक्ष फल सिद्धि जरूर मिलेगी। आत्मिक स्थिति में स्थित होने से अपने संकल्पों को सिद्ध कर सकते हो। याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि अविनाशी होती है। वे लोग साइंस की शक्ति से संकल्पों को रीड करते हैं। आपके पास साइलेंस की शक्ति है। साइलेंस की शक्ति से किसी के संकल्पों को जान सकते हो, लेकिन कभी कोई बात से अपने मन को डिस्टर्ब नहीं करना। अपने चेहरे पर व मन की स्थिति में अंतर नहीं लाना। याद का जादू मंत्र यूज करना तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। जितना हो सके उतना समय स्वयं को व्यक्त भाव से हटाकर न्यारे और प्यारे अव्यक्त स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। अव्यक्त स्थिति में रहने से सर्व संकल्प स्वतः ही सिद्ध होते हैं। संकल्प ही सृष्टि का निर्माण करते हैं। जैसा कि भक्ति मार्ग में तुम्हारा जो सिद्धि स्वरूप सिद्धि विनायक गणेश का स्वरूप है, उसके अंग अंग में संपूर्णता संपन्नता दिखाई जाती है, उसके अंग अंग द्वारा महिमा की जाती है, उसके बड़े मस्तिष्क से आप बच्चों की विशाल बुद्धि को जाना जाता है, क्योंकि अभी संगम पर ही आप ऐसे विशाल बुद्धि बनते हो जो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो, उस भगवान पिता निराकार परमात्मा को पहचान जाते हो, जिसे पहचानने के लिए साधु संत सन्यासी कितने त्याग करते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान पर पार पाना असंभव है, और आप बच्चे उसे पहचान कर जानकर अपना बना लेते हो, उसके सर्व खजाने का मालिक बन जाते हो, जिसके कारण ही आपकी महिमा भक्ति मार्ग में सिद्धि स्वरूप सिद्धि विनायक विघ्नहर्ता दुखहर्ता सुखकर्ता के रूप में होती है। अच्छा, ये था गणेश का पहला स्वरूप। और स्वरूप को विस्तार से जानने के लिए, उनके समान बनने के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओम शांति।